हेलो फ्रेंड्स, आजकल हेडफोन और ईयरफोन कौन यूज नहीं करता है, पर हमें इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता नहीं होता है और हम हेडफोन और ईयरफोन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो आखिर हेडफोन और ईयरफोन हमारे कान के लिए कैसे हार्मफुल होते हैं, और इतना नहीं, आजकल तो एयरपॉड का जमाना है, तो क्या एयरपॉड अच्छे होंगे कि हेडफोन अच्छे होंगे, तो हम इन दोनों में भी कंपैरिजन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अब ये तो आपको पता है कि आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी से दूर रह ही नहीं सकते हैं, तो इसी चक्कर में एक टेक्नोलॉजी और ऐड हो जाती है, हेडफोन और ईयरफोन। अगर हमें किसी चीज के फायदे दिखेंगे तो उसके नुकसान भी जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आखिर एयरफोन से हमें कैसे नुकसान होता है, हेडफोन से हमें किस तरीके से नुकसान होता है? अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम माने तो 1.1 बिलियन पीपल इस हेडफोन और एयरफोन से उनके कानों की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए जा चुकी है। अब मुझे पता है कि आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि हम भी तो हेडफोन बचपन से यूज करते हैं, इतने टाइम से हम यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग जरूर होने वाली है। अब इससे पहले कि हम हेडफोन और एयरफोन के बारे में जाने, उससे पहले हमें अपनी क्षमताओं के बारे में जानना जरूरी है, मतलब हम कितने डेसिबल तक की जो साउंड होते हैं उसको सुन सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे कान होते हैं वो 70 डेसिबल तक की ध्वनि को आराम से सुन सकते हैं। अब जैसे हम फोन की मदद से किसी और से बात करते हैं, तो उस कन्वर्सेशन का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 60 डेसिबल तक की ध्वनि हम आराम से सुन सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 70 डेसिबल से अगर ज्यादा की हम ध्वनि लगातार सुन रहे हैं तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही खराब होता है। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को म्यूजिक हाई वॉल्यूम में सुनने की आदत होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर वो ध्वनि 85 डेसिबल से ज्यादा है और आप उसको कंटिन्यू सुन रहे हैं तो आपकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब जो हमारे यहाँ पर हेडफोन होता है उनकी मैं अगर मैक्सिमम साउंड की बात करता हूँ, मतलब वो कितने डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं आपको बता दूं 85 से लेकर 110 डेसिबल तक जो हमारे हेडफोन ईयरफोन होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब भी आप कभी हेडफोन यूज करते हो तो उस पर अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो आपको इस टाइप का मैसेज जरूर देखने को मिलता होगा, और इस मैसेज में ये साफ साफ लिखा है, अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसको सुनते हैं तो आपके हेयरिंग लॉस हो सकती है। अब यही तो अलग चीज होती है ना इंडियंस में, अब ये वार्निंग सबको पता है कि हमारे कानों के लिए खराब होती है, हां फिर कौन फॉलो करता है इन चीजों को। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो हेडफोन या ईयरफोन होते हैं वो हमारे कान को किस तरीके से डैमेज करते हैं, आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है। अब जैसे आप ये वीडियो हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के देख रहे हो, तो आप अब ये नोटिस करिए या कोई भी ये चीज नोटिस करेगा कि जो साउंड होता है वो जब एयरफोन से निकलता है तो वो ईयर ड्रम के थ्रू हमारे हेयरिंग बोन्स में जाता है। अब आपको तो पता है कि हमारे कान में 3 हड्डियां होती है, तो ये जो हेयरिंग बोन्स होती हैं इनके मदद से वो जो साउंड होती है वो हमारे इनर एयर में जाती है। अब यहाँ पर अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे होता है वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जैसे जो ये वाइब्रेशन है जो साउंड के साथ आता है, ये हमारे कोक्लिया वाले पार्ट पर जाता है। अब जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा कोक्लिया है, अब ये जो कोक्लिया होता है ये एक स्पेशल टाइप के फ्लूइड से फिल हुआ होता है, और ये एक वाटरी लिक्विड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है। अब इसका काम होता है हमारी हियरिंग को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे साउंड के साथ वाइब्रेशन भी जाता है, तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है फ्लूइड के अंदर। अब जैसे ही फ्लूइड में वाइब्रेशन होता है तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो मूव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हेयर की मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे इनर एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सुनने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं। अब जैसे हम लार्ज वॉल्यूम में कोई भी गाना सुनते हैं तो ये जो हेयर होते हैं ये आराम से मूव होने लगते हैं, और अगर हम लॉन्ग टाइम तक हाई वॉल्यूम पे गाना सुनते हैं तो ये हेयर्स अपनी जगह से हट जाते हैं, जिसके वजह से हमारी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर मैं जिस हेयर की बात कर रहा हूँ, या इसे हेयरिंग सेल्स भी कहा जाता है, अब जैसे ही हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो ये भी मूव होते रहते हैं, तो इसी वजह से हमें कोई भी गाना सुनाई देता है। अब आपको इसके पीछे की साइंस पूरी तरीके समझ आ गई है, क्योंकि अगर हम लार्ज वॉल्यूम में कोई भी गाना सुन रहे हैं तो ये जो हेयर
हियरिंग सेल्स हैं ये अपनी जगह से हट जाएंगे और हम सुनने की क्षमता खो देंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि आखिर हम करें क्या, तो मैं आपको बता दूं हमें कम वॉल्यूम पर ही हेडफोन और ईयरफोन का यूज करना चाहिए। मिनिमम हम 60 डेसिबल तक की वॉइस आराम से सुन सकते हैं, तो आप अगर 60 डेसिबल तक आराम से सुन रहे हैं तो वो आपके कानों के लिए बेस्ट है। पर जैसे ही वो वार्निंग जो थ्रेशोल्ड होती है, मतलब जब हमारे फोन में वार्निंग आ जाती है कि अब आप अगर इससे ज्यादा सुनते हो तो आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है, तो उस टाइम पर हमें उससे ज्यादा नहीं जाना है। अब यहाँ पर सेकंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, हेडफोन अच्छे होते हैं कि ईयरफोन अच्छे होते हैं, या इसे एयरबड भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं हेडफोन इज बेटर देन एयरफोन्स या एयरपॉड। अब जो एयरबड होते हैं वो लुक वाइज तो काफी स्मॉल होते हैं और जिस वजह से बहुत सारे लोग इसे पसंद भी करते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये जो एयरपॉड होते हैं ये हमारे कान के काफी अंदर तक इंसर्ट हो जाते हैं, तो इससे जब साउंड निकलता है तो ये डायरेक्ट हमारे ईयर कैनाल तक पहुंचता है, जो ईयर कैनाल को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो वो साउंड है उसके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी बैरियर नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ हेडफोन्स की। अब जो यहाँ पर हेडफोन्स का साउंड है वो डायरेक्टली हमारे कान में नहीं जाता है, क्योंकि उसके बीच में काफी सारा स्पेस भी होता है और उस स्पेस में एयर जरूर होती है, तो इस वजह से जो हेडफोन होता है वो ज्यादा सेफ माना जाता है एयरफोन या एयरबड के कंपैरिजन में। और यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, एयरफोन या एयरपॉड जो भी यूज करता है उनके कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, क्योंकि जैसे हम एयरफोन या एयरपॉड यूज करते हैं उसके बाद उसे हम बिना सैनिटाइज करे, बिना उसे अच्छे से साफ करे हम उसका यूज करने लगते हैं, तो जिस वजह से कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर हेडफोन के कंपैरिजन में ये काफी कम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हेडफोन का जो शेप होता है वो बड़ा होता है जिसके वजह से उसको काफी स्पेस मिल जाता है। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि आखिर साइंस के हिसाब से एयरफोन और हेडफोन हमारे लिए कैसे हार्मफुल होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में इससे बचने के उपाय भी बता देता हूँ। अब जैसे जो भी हेडफोन एयरफोन होते हैं हमें लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए। अब यहां पर मैं अगर साइंस की बात करता हूं तो साइंस कहता है हमें 30 मिनट के बाद हमें जो भी हम एयरफोन यूज कर रहे हैं उसको हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हमारे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस तो होते ही हैं, उसके अलावा वो हमारे इनर कैनाल को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। और सेकंड चीज, अगर आपको एयरफोन जैसे यूज करना ही है तो अगर आप हेडफोन चूज करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और थर्ड चीज, आप जो भी एयरफोन या हेडफोन यूज कर रहे हैं उसमें नॉइस कैंसिलेशन जरूर होना चाहिए, जिससे नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आपके ईयर पे कम प्रेशर पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म तक उस एयरफोन को उस हेडफोन को पहन सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस भी हेडफोन या एयरफोन में नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता है अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमारे कानों में दर्द होने लग जाता है। तो आप ये कोशिश करिए कि एक अच्छे से हेडफोन या एयरफोन जिसमें नॉइस कैंसिलेशन हो उसको ही यूज करिए। और लास्ट चीज, ये तो बहुत ही कॉमन है, हमें कभी भी हेडफोन और एयरफोन शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको हेडफोन और एयरफोन से हमें किस प्रकार से नुकसान होता है इसके बारे में पता चल सके। सो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।